आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के 27वें मुकाबले के बाद बदला। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पूरा पॉइंट्स टेबल। इंग्लैंड की टीम को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वहीं पर श्रीलंका की टीम को लगा बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। इंग्लैंड और श्रीलंका के शानदार मुकाबले के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पूरा पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन सी टीमों ने यहाँ पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टीमें जो बचे हुए मुकाबले हैं उनमें से किन टीमों के पास कितने कितने मुकाबले बचे हैं और ये टीमें किस तरह से यहाँ पर सेमीफाइनल में अपना रास्ता बना सकती है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम सेमीफाइनल का मुकाबला खेले तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों, आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका की टीम को 4 विकेट से हरा कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और इसी जीत के साथ अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पूरा पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले सुपर 12 के ग्रुप 2 के बारे में, उसके बाद हम ग्रुप फर्स्ट के बारे में बताएंगे कि सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, ग्रुप 2 में फिलहाल आखिरी पायदान पर नीदरलैंड की टीम मौजूद है और ये सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 5 पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है, ये भी लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 4 पर बांग्लादेश की टीम मौजूद है और इस टीम की नेट रनरेट भी बेहतरीन नहीं। हालांकि इस टीम के पास अभी भी एक एक मुकाबला बचे हुए हैं, लेकिन ये टीम भी सेमीफाइनल से लगभग बाहर ही है। तो वहीं पर नंबर 3 पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले के लिए 2 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे, 4 पॉइंट इस टीम के पास मौजूद है और नेट रनरेट है +1.117 के साथ पाकिस्तान की टीम फिलहाल नंबर 3 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले के लिए 2 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा, 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो चुका था, जिसकी वजह से 5 पॉइंट और नेट रनरेट है +1.441 के साथ साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 2 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 1 पर भारतीय टीम चल रही है, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले के लिए 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा, 6 पॉइंट भारतीय टीम के पास मौजूद है और नेट रनरेट है +0.730 के साथ फिलहाल टीम इंडिया नंबर 1 पर मौजूद है। लेकिन सेमीफाइनल में अभी तक इन टीमों में से तय नहीं हुआ है कि कौन सी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और भारतीय टीमों में अभी भी होड़ मची हुई कि जो टीमें यहाँ पर बचे हुए मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी नेट रनरेट को बेहतरीन बना लेगी, वे टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट के बारे में, आखिरकार ग्रुप फर्स्ट से कौन कौन सी टीमों ने यहाँ पर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी हैं अफगानिस्तान, आयरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। तो वहीं पर नंबर 1 पर मौजूद है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम, जिन्होंने अब तक 5 मुकाबले के लिए 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा, 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था और 7 पॉइंट इस टीम के पास मौजूद है और नेट रनरेट है +2.113 के साथ ये टीम नंबर 1 पर मौजूद है और ये इस टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वहीं पर नंबर 2 पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 5 मुकाबले के लिए 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा, 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो चुका था और 7 पॉइंट इस टीम के पास मौजूद है और नेट रनरेट है +0.473 के साथ ये टीम नंबर 2 पर मौजूद है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली टीमें यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें बनी हुई थी। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीमें यहाँ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को गंवा दिया था। अगर इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को जीत जाती तो फिर इंग्लैंड के बजाय श्रीलंका की टीम के पास चांस थे कि वो अपनी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सेमीफाइनल का मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम खेलने वाली है। तो वहीं पर ग्रुप 2 में यहाँ पर भारत, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों में से जो टीम शानदार नेट रनरेट के साथ पहुंचेगी वही टीम यहाँ पर टॉप 2 में शामिल होकर सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने पहुंचेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है बचे हुए मुकाबलों में क्या टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।